एक और जहां देश व प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम बस परिचालकों की सुविधा के लिए कोई उचित कदम नहीं उठा रहा है। निगम ने अब परिचालकों के लिए 3 नंबर की जगह 47 नंबर सीट जारी कर दी है, जहां बैठकर परिचालक यात्रियों को टिकट जारी करेंगे। निगम के इस फैसले पर प्रदेश परिचालक संघ ने कड़ा एतराज जाहिर किया है। परिचालक संघ ने सरकार व निगम प्रबंधन से इस फैसले को तुरंत वापस लेने और परिचालकों के लिए बस में कैबिन स्थापित करने की मांग उठाई है। ऐसा न करने की सूरत में संघ ने प्रदेश की राजधानी शिमला में धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। प्रदेश परिचालक संघ के अध्यक्ष किशन चंद ने कहा कि निगम द्वारा परिचालक सीट में फेर बदल करना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि परिचालक के लिए 47 नंबर सीट जारी करनी है तो निगम पहले परिचालक के लिए बस में कैबिन स्थापित करे, ताकि परिचालक को कोरोना संक्रमित होने का खतरा ना रहे। मैं यही निवेदन करूंगा कि हिमाचल सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, निगम प्रबंधन द्वारा जो निगम की बसों में चालक और परिचालकों को इस महामारी से बचने के लिए एक कैबिन बनाया गया था, जिसमें 3 नंबर सीट जो है परिचालकों को दी गई थी कि परिचालक जो है 3 नंबर सीट से ही यात्रियों को टिकटें देगा और वहीं से अपना जो है आपकी सेवा देगा। लेकिन हमारे निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा पिछले कल 4/6/2020 को टेलीफोनिकली एक आदेश पारित किए गए हैं कि परिचालक 3 नंबर पर नहीं 47 नंबर से ही आप अपनी सेवा देगा। हम इसका विरोध नहीं कर रहे, हम इसका भी पालन करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन मेरी सरकार से, प्रबंधन से और प्रशासन से मांग है कि 47 नंबर सीट पर जो है कैबिन बनाया जाए, ताकि मेरा परिचालक जो है सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा परिचालक जो है निगम में कार्य करता है। हम सेवा देंगे, जो सरकार के आदेश होंगे उसे मानेंगे, जो प्रशासन के आदेश होंगे उसे मानेंगे, जो हमारे निगम प्रबंधन जी के आदेश होंगे उसे मानेंगे। लेकिन मैं मांग करता हूं कि परिचालक की सुरक्षा के लिए 47 नंबर सीट से हम अपनी सेवा देंगे, लेकिन यहां पर कैबिन होना बड़ा जरूरी है, ताकि हम अपने आपको स्वस्थ रख सकें।